अच्छा हामिद साहब, वेलकम टू द शो, वेलकम टू द ट्रांसमिशन। अभी आप सुन रहे होंगे हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वो यही बात कर रहे हैं कि ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी है, ये मैनेजमेंट है, इसके अलावा इन्फ्लेशन है और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, उनको लेकर बात हो रही है ट्रंप के हवाले से, कि इस वजह से उनका नैरेटिव काफ़ी ज़्यादा तगड़ा नज़र आता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल सिचुएशन को देखें तो आज भी हम ये देखते हैं कि अमेरिका की बहुत बड़ी आबादी नहीं चाहती कि वो एक विमेन को आगे लेकर आएँ और एक खातून कैंडिडेट वो जीतें। उसका रुझान आपको क्या नज़र आता है, उसकी वजह आपको क्या नज़र आती है? व्हाट डू यू थिंक कि ये इतना बड़ा 2024 में बैठकर भी ये क्यों देखा जा रहा है? बहुत शुक्रिया। देखिए, अहम बात यह है कि 2016 में भी खातून जो हिलरी क्लिंटन थी उनके मुकाबले पर ट्रंप थे, जो कि कदामत पसंद सफेद फार्म हैं, और दूसरी जानब 2024 में भी मुकाबले जो हैं वो ट्रंप हैं, जो कि एक तो कदामत पसंद सफेद फार्म है, दूसरी बात यह है कि उनके जो नज़रियात हैं खसूसी तौर पर जंग के हवाले से, डेमोक्रेट्स की पॉलिसी के हवाले से, मैं नहीं समझता कि इसमें बहुत बड़ा किरदार कैमला हैरिस के औरत होने का है कि उनकी वजह से उनको रुक कि उनको वोट कम मिल रहा है। बुनियादी तौर पर खुद ट्रंप ने बहुत ज्यादा पॉपुलर पॉलिटिक्स की है, बहुत ज्यादा मकबूलियत का बयानिया जो है उसके ऊपर काम किया है, और उस बयानिये के अंदर उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, यूरोप के खिलाफ और नेटो के खिलाफ मौकफ अपनाया, यानी वो जंगों से दूर रहना चाहते, यूक्रेन की जंग बंद करना चाहते। हम सब जानते हैं कि अमरीका की जो वॉर इंडस्ट्री है वो इन्हीं जंगों पर बेस करती है, और इसीलिए डेमोक्रेट्स के बहुत सारे जो मेंबर ऑफ कांग्रेस होते हैं उनके कहीं ना कहीं ताने बाने जो हैं वो वॉर इंडस्ट्री से भी मिलते हैं। लेकिन ट्रंप इसके बरक्स ये समझते हैं कि इकोनॉमिकली मजबूत करके जो अमेरिका का आम आदमी साथ साथ गैर मुहतात और गैर जिम्मेदाराना बयानात भी ट्रंप के जारी रहे। अभी डे बिफोर यस्टरडे उन्होंने बिल्कुल वाज़े अल्फाज में कहा कि सहाफियों को गोली मार दी जाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। असल में ना ट्रंप अपने इन्हीं बयानात की वजह से या इसी अनएक्सपेक्टेड बयानात की वजह से ही तो मकबूलियत इख्तियार करते हैं आम के अंदर। जिस तरह उन्होंने डेमोक्रेट्स को कचरा कहा और कचरे की वैन लेकर आ गए, जिस तरह उन्होंने जो अमेरिका को मकबूजा अमेरिका कह दिया, तो उनसे पूछा गया जी कहाँ किसने कब्जा किया हुआ है, तो उसने कहा कि आप सब जानते हैं इनके सीक्रेट इदारों को उन्होंने डफर कह दिया है आज सुबह वोट डालने के बाद, सीक्रेट एजेंसीज को। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। वो मतलब एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करते हैं, वो मीडिया को समझते हैं कि मीडिया ने उनसे हमेशा दुश्मनों वाला सलूक इख्तियार किया, और इससे इनकार भी नहीं है। आप फॉक्स न्यूज़, सीएनएन, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये सारों को देखें तो इनका एक बड़ा मुतासबाना रवैया नजर आता है डोनाल्ड ट्रंप के साथ फॉर द लास्ट 4 ईयर्स, स्पेशली फॉर द लास्ट 3-4 मंथ्स। ये बात सबसे बड़ी वाजे है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक ही वक्त में तमाम महाज खोल कर बैठ जाते हैं, और उन्होंने साबित किया कि अगर अवामी मकबूलियत साथ हो तो तमाम महाजों पर लड़ा जा सकता है। अभी आपने देखा है कि किस अंदाज में स्विंग स्टेट्स, जिन पर कमला हैरिस का भी सारा इन्हेसार था और ट्रंप का भी, और बड़ा वाजे तौर पर अभी तक स्विंग स्टेट्स में जो विक्ट्री है वो ट्रंप की नजर आ रही है, स्पेशली सियाफाम अक्सरियत की रियासत कैलिफोर्निया, नॉर्थ कैरोलाइना, देन मुसलमानों का बहुत बड़ा वोट है मिशीगन में, 4 लाख से ज्यादा वोट है, वहां पर भी ट्रंप की जो है वो जीत नजर आ रही है। इसी तरह विस्कॉन्सिन में भी जो गोरा सफेद फार्म है वहां पर भी ट्रंप की जीत नजर आ रही है। तो इस हवाले से मेरा ख्याल ये है कि ट्रंप ने बहुत टफ टाइम दिया है और एस्टेब्लिशमेंट के लिए आइंदा आने वाले दिनों में अगर ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं तो फिर हालात बड़े इंटरेस्टिंग देखने वाले होंगे, क्योंकि हालात वादे करके आएंगे। अच्छा, एक चीज हामिद साहब आपको खत्म कराने की बात चाहेंगे, ट्रंप का अचानक से जो बदला रवैया है, कल तक हम देख रहे थे वो ये मुसलसल कह रहे थे कि वो हारे तो वो नतायज को तस्लीम नहीं करेंगे क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, और आज इलेक्शन डे वाले दिन आधा दिन गुजरने के फौरन बाद ही उन्होंने ये कह दिया, हालांकि अभी नतायज नहीं आना शुरू हुआ था, अभी वोटिंग हो रही थी, उन्होंने कह दिया कि वोट कास्ट करने के बाद उन्होंने जो मीडिया से बात की उन्होंने ये बिल्कुल वाजे कर दिया कि अगर वो हारे भी तो नतायज को तस्लीम कर लेंगे। ये अचानक से उनका ये यू टर्न कहें या बदला रवैया, इसके पीछे क्या वजह आपको नजर आ रही है? क्या उनको नजर आ गया था कि वो जीतने वाले? एग्जैक्टली, मैं यही पूछने वाली थी कि उनको लगा था कि वो जीत रहे हैं जब इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। बिल्कुल, देखिए उस स्टेटमेंट को आप पूरा सुने तो उन्होंने पहले कहा कि मैं तो जीत चुका हूं, तो हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो फिर नतायज तस्लीम ना करने की क्या बात है। उन्होंने वो सार्कास्टिक होकर बात कही कि हारने की नतायज तस्लीम करने की अमल तो या बात तो तब आएगी जब मैं हारूं, वो इस बात पर यकीन है, और उन्होंने वो जिसको कहते हैं कि अभी वोटिंग भी शुरू नहीं हुई थी सही तरह से, तो उन्होंने अपनी जीत का ऐलान कर दिया। इस हवाले से मैं नहीं समझता कि अगर 1-2% के मार्जिन से हराया गया तो ट्रंप फिर
फिर ना फिर जाएं या ट्रंप के जो हामी है वो एहतजाज या हल्ला गुल्ला ना करें या पुरतशद्दुद ना हो, आप देखें पूरा वाशिंगटन जो है वो इस वक्त एक तरह से मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। पुलिस पेट्रोलिंग हो रही है, नेशनल गार्ड को हाई अलर्ट कर दिया गया है, इसी तरह कैलिफोर्निया में यही सूरत हाल है, बहुत सारी जगहों में, न्यूयॉर्क के अंदर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। उनको सबको पता है कि ट्रंप आसानी से हार नहीं मानेंगे, लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है, मैं बड़े दिनों से कह रहा था कि ट्रंप जो है वो बड़ी वाजे विक्ट्री से जीतेंगे, पॉपुलर्स वोट तो उनके साथ था ही था, इलेक्ट्रल वोट का भी। ये वाजे विक्ट्री आपने वाजे विक्ट्री आप कह रहे हैं, आपकी नजर में कितने ईडो 270 का मैजिकल नंबर है, इससे कितना आगे 300 प्लस जो हमने, मेरा ख्याल है, मेरा मोहतात अंदाजा है कि ये 302-298 तक तो जाएंगे। अच्छा सही है, अच्छा ये भी बता, क्योंकि उसके अंदर दो तीन टैक्सेस भी मेरा ख्याल है कि ट्रंप के पास आ जाएगी, और एक दो और रियासतें हैं जो अभी ब्लू हैं उनके भी रेड होने के चांस। आपकी नजर में स्विंग स्टेट्स पे का जो रुझान है अभी, हालांकि वहां से नतीजे नहीं आए, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर ट्रंप के हक में आ जाएगा? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है 5 से 6 स्विंग स्टेट्स जो हैं वो डेफिनेटली ट्रंप के हाथ में आ रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।